वेलकम टू वैष्णव रिजॉर्ट। आज हम पेन होल्डर देखेंगे, क्या क्या मटेरियल लगेगा देखते हैं। खाली सेलो टेप का रोल, दो मैंने स्टिक कर लिए हैं दोनों। पिंक पेपर मैंने घर पे ही कलरिंग की। 10 ब्लू स्ट्रिप्स, 10 ब्लैक स्ट्रिप्स, 10 वायलेट स्ट्रिप क्विलिंग के लिए। यहाँ पे हमने डेकोरेशन के लिए ये सेलो टेप ली है, सीजर और फेविकॉल। फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जो पिंक पेपर है इसको स्टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने स्टिक कर लिया है। अब ये जो ऊपर आया हुआ पेपर है हम उसे कट कर लेंगे। अब हम वो अंदर डाल लेंगे और स्टिक कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने अंदर से स्टिक कर लिया है पूरा। मैंने नीचे से भी कर लिया है पेपर स्टिक। अब हम इसको सूखने देते हैं, तब तक हम अब हमारी विलिंग बनाते हैं। आपके पास अगर पीलिंग टूल नहीं होगा तो फिर आप स्टिक भी यूज कर सकते हैं बारीक। मैंने ये स्टिक करने से पहले हमें थोड़ा सा लूज करना है और अब हम इसे स्टिक कर लेंगे। ये देखिए मैंने लूज बनाई है। हमने इसे लूज बनाया क्योंकि हम इसको पेटल का शेप दे सकते हैं। देखो मैंने इसको कर लिया, दूसरे भी उसी तरह से कर लेती हूँ। मैंने सारे कर लिए हैं। अब इसी तरह से फ्लावर के टाइप में हमें इस वास हमारे पेन होल्डर पे चिपकाना है। तो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेना है। मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। वैसे आप कोई दूसरी भी डिजाइन बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टिक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर्स बना इस पर लगा लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बच गई है तो फिर मैंने यहाँ पे वी स्क्रोल बनाया है और मैं यहाँ पे इस तरह से स्टिक करने वाली हूँ। सी वाओ कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम ये फ्लावर्स को और भी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल करने के लिए ये डायमंड्स लगाएंगे। लगाते हैं ये हम इधर स्टिक कर लेंगे। मैंने सब इसको लगा लिया है। सारे डायमंड्स हो गए। अब हम ये जो सेलो टेप है वो लगाएंगे अच्छे से। मैंने दोनों साइड से लगा लिए है। कितनी ब्यूटीफुल दिख रहा है हमारा पेन होल्डर। ये फ्लावर्स वाओ।
Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.